मेरा नाम है शराफत अली और आप देख रहे हैं टेक्निकल शराफत यूट्यूब चैनल। जल्दी से अपनी वीडियो के नीचे दिए गए बटन के ऊपर क्लिक करें, रेड निशान के ऊपर क्लिक करके चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। चलें दोस्तों शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मेरा नाम है शराफत अली और आप देख रहे हैं टेक्निकल शराफत यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, मैं आज आपको बताने वाला हूं कि आप TubeBuddy को कैसे फ्री में यूज़ कर सकते हैं, वो भी दोस्तों बिल्कुल फ्री में आप यूज़ करेंगे। मैं अब आज आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जो आप यूज़ करके दोस्तों लाइफ टाइम के लिए TubeBuddy को फ्री में इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों आपको तो पता है कि यूट्यूबर्स के लिए जो TubeBuddy है ये कितनी अहमियत रखता है आपकी वीडियो को ग्रो कराने में, आपके चैनल को ग्रो कराने में। तो दोस्तों ये बहुत अच्छे अच्छे आपको टैग जो है सजेस्ट करके देता है, जो आप लगाते हैं तो आपकी वीडियोस ग्रो करना शुरू हो जाती हैं। तो चलें देखते हैं इसको कैसे करना है। तो दोस्तों जल्दी से इस रेड बटन के ऊपर क्लिक करें, अपनी वीडियो के नीचे रेड बटन के ऊपर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों साथ में बेल आइकन आएगा उस पर क्लिक कर दें अगर आपका दिल करता है तो। तो चलें देखते हैं, आपको बताते हैं स्टेप वन में, आपको बताता हूं कि दोस्तों आप देख सकते हैं यहां पर मैंने एक वीडियो की एडिट के ऑप्शन पे जाके इसको ओपन किया हुआ है। आप देख सकते हैं कि यहां पे ये हमें TubeBuddy जो है, अगर हम सजेस्ट के ऊपर जाते हैं तो ये हमें कुछ थोड़े से ही टैग सजेस्ट करके दे रहा है, मतलब कि ये सैंपल दिखा रहा है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये मैंने जो इसने 4-5 टैग मुझे सजेस्ट करके दिए थे मैंने लगा दिए हैं, ठीक है, अपनी वीडियो के ऊपर। तो अगर दोस्तों ये हम फ्री में यूज़ करते हैं, जब आपके पास ये प्रो वर्जन में आ जाता है तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको ये बहुत सारे टैग जो हैं सजेस्ट करके देता है, तो उससे आप अपनी वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करा सकते हैं। दोस्तों तो बैक जाते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये तीन जो हैं तीन टैग हैं हमें दे रहा है कि ये आप इस आपकी वीडियो के रिलेटेड हैं, ये आप लगाएं तो आपकी वीडियो जो है ग्रो करना शुरू हो जाएगी। मतलब कि ये बहुत ही ट्रेंडिंग जो टैग्स होते हैं जो सर्च किए जा रहे होते हैं ये हमें वो सजेस्ट करके देता है कि ये आप अपनी वीडियो में लगाएं तो आपकी वीडियो जो है बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करेगी। तो उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये तीन तो लगा ही सकते हैं दोस्तों। तो अगर हम इसको फ्री में ले लें तो दोस्तों आपके पास अगर फ्री में चल जाए दोस्तों TubeBuddy तो कैसा होगा दोस्तों, अगर आपके पास ये सारे टैग जो हिडन आ रहे हैं आप देख सकते हैं इसको इन्होंने छिपाया हुआ है, तो ये आपके पास ओपन हो जाए तो कितना मज़ा आएगा दोस्तों, आपकी वीडियो कितनी जल्दी ग्रो कर सकती है जैसे जो आपको ये टैग्स सजेस्ट करके देगा कि इसको अपनी वीडियो में लगाएँ और आप अपनी वीडियो को कितनी जल्दी से दोस्तों अपनी आवाम तक पहुँचा सकते हैं दोस्तों, कितने ज़्यादा आपके व्यूज आ सकते हैं, वॉच टाइम आ सकता है दोस्तों और कितनी जल्दी से आपका चैनल जो है रिव्यू में जा सकता है दोस्तों, वॉच टाइम और सब्सक्राइबर पूरे करके दोस्तों। तो चलो देखते हैं दोस्तों आपने करना है TubeBuddy तो आपको इंस्टॉल करना आता ही होगा इसकी एक्सटेंशन को, वैसे फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। आपने आ जाना है ऐप में, आ जाना है गूगल सर्च में आके, आपने इधर ऐप में आ जाना है लेफ्ट साइड पर, तो यहाँ पर आपने वेब स्टोर को ओपन कर लेना। वेब स्टोर के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे, वेब स्टोर के ऊपर जब आप क्लिक करके इधर आएंगे तो यहाँ पे आपने सर्च बार में लिखना है TubeBuddy फॉर यूट्यूब। जब आप लिखेंगे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर यूट्यूब तो ये मेरे सामने आ चुका है। तो आप देख सकते हैं पहली ही एक्सटेंशन है जो मैंने अपने जो क्रोम ब्राउज़र में ऐड की हुई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मेरा कर्सर है ये TubeBuddy की जो एक्सटेंशन है मेरे क्रोम ब्राउज़र में इंस्टॉल्ड है। यहाँ पे अगर आपने इंस्टॉल करनी है तो यहाँ पे आपके सामने इस तरह की विंडो आ जाएगी। तो उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे रेट आ रहा है। अगर आपने पहली दफ़ा करनी होगी अपने कंप्यूटर में या अपने क्रोम में इंस्टॉल तो आपके सामने इस तरह आ रहा होगा ऐड टू क्रोम। आप जब ऐड टू क्रोम के ऊपर आप देख सकते हैं ऐसे क्लिक करेंगे तो आपके पास ऐसा ऑप्शन आएगा, आपने ऐड एक्सटेंशन के ऊपर क्लिक करना है तो आपकी जो एक्सटेंशन है वो इंस्टॉल हो जाएगी। फिर आपने आपने उसको अपनी आईडी से लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपने चैनल को ऐड कर लेना है, जो भी आपने चैनल ऐड करना होगा। तो उसके बाद दोस्तों आपके सामने जो मैं करने जा रहा हूँ वो आपको बताता हूँ। उसके बाद जब आपके सामने इस तरह से आ जाएगी दोस्तों, आपके सामने
आपने आपके सामने इस तरह इसका इंटरफेस आ जाएगा, तो आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। TubeBuddy की एक्सटेंशन के ऊपर जब आप इस तरह क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसको बता रहा है लाइसेंस स्टार्टर, ठीक है। टेक्निकल शराफत मैंने अपने चैनल के ऊपर इसको ऐड किया हुआ है, तो यहाँ पे मुझे ये बता रहा है कि आपका स्टार्टर लाइसेंस है, मतलब कि प्रो में नहीं है। तो आपका जो स्टार्टर लाइसेंस है दोस्तों, आपने इसको प्रो में कैसे कन्वर्ट करना है, वही आज मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। तो आपने दोस्तों सिंपली यहाँ पे आके आपने कर देना है हेल्थ रिपोर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। जब आप हेल्थ रिपोर्ट के ऊपर जब से ही आप क्लिक करेंगे दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको एक नई विंडो के ऊपर ये ले गया है। नई विंडो के ऊपर जब आपको ले जाएगा तो दोस्तों आपने यहाँ पे साइन इन विद गूगल कर देना है, ठीक है। साइन इन विद गूगल के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपसे चैनल की परमिशन मांगेगा, कौन सा चैनल आप ऐड करना चाहते हैं। आपको आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने अपनी जो आईडी है लॉगिन करनी कर दी है। तो लॉगिन करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे सामने यहाँ पे एक ऐसी विंडो ओपन हो चुकी है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं ऐसी विंडो ओपन होने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं आता हूँ और दोस्तों हेल्थ रिपोर्ट के ऊपर जब मैं क्लिक करूँगा तो मेरे सामने एक इस तरह की विंडो ओपन हो चुकी है। गुड न्यूज़, तो योर चैनल फॉर ए फ्री 14 डेज ट्रायल ऑफ प्रो लाइसेंस, ठीक है। ए प्रो लाइसेंस विल गेट यू एक्सेस टू दिस हेल्थ रिपोर्ट, ठीक है। इंटरेस्टेड सिंपली क्लिक द बटन बिलो एंड यू गेट अपग्रेडेड, मतलब कि वो कह रहे हैं कि स्टार्ट 14 डेज के लिए आपको फ्री प्रो ट्रायल के लिए मिलेगा लाइसेंस। तो आपने इसके ऊपर सिंपली एक क्लिक करना है और आपको ये लाइसेंस मिल जाएगा। तो दोस्तों मैं यहाँ पे 14 डेज फ्री प्रो ट्रायल के ऊपर क्लिक कर देता हूँ और ये मुझे आप देख सकते हैं कि ये 14 दिन के लिए मुझे फ्री में मिल चुका है। अब दोस्तों बात आ गई है दूसरी कि आपने इसको लाइफ टाइम के लिए कैसे यूज़ करना है। दोस्तों लाइफ टाइम के लिए यूज़ करने के लिए दोस्तों वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपने आ जाना है अपनी जो है प्रोफाइल में। प्रोफाइल में आने के बाद दोस्तों आप आ जाएंगे अपनी प्रोफाइल में। तो दोस्तों जब आपके आपके 14 दिन पूरे होने वाले होंगे, मतलब कि आपने 12 दिन यूज़ कर लिया, तो आपने इसको 2 दिन पहले ही इसको अपने अकाउंट को डिलीट करना है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपने आके अपने जो आप देख सकते हैं यहाँ पे अपनी प्रोफाइल है आपकी और यहाँ पे परमानेंटली डिलीट माय अकाउंट नीचे रेड मतलब के हैंड राइटिंग में लिखा हुआ है, रेड हैंड राइटिंग है यहाँ पे लिखा हुआ है परमानेंटली डिलीट माय अकाउंट। यहाँ पे आपने क्लिक कर देना और आपका अकाउंट जो है परमानेंटली डिलीट कर दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों आप फिर से और आई डी को लगा के आप और ऐसे ही अपने चैनल को ऐड करके फ्री में 14 दिन के लिए ले सकते हैं दोस्तों। तो बहुत ही अच्छी दोस्तों आपको ट्रिक बताई है दोस्तों, और इसके बारे में दोस्तों मुकम्मल TubeBuddy के बारे में वीडियो आपको मैं इंशाल्लाह आगे दूंगा, जिसमें आपको पूरे अच्छे तरीके से बताया जाएगा कि दोस्तों कैसे आपने TubeBuddy को यूज़ करना है, कैसे इसका इस्तेमाल करना है, कैसे आपने अपने चैनल को ग्रो करवाना है। जैसे ही आप चैनल में आप जाएंगे तो आप अगर इसको रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे आपको अब ये सारे टैग देगा। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये पहले जो सिस्टम था कि मतलब आपके टैग जो शो नहीं हो रहे थे, अब आपके पास सारे टैग शो हो रहे हैं और आप यहाँ से टैग लगा के बड़े ही अच्छे तरीके से दोस्तों इसको कर सकते हैं, मतलब कि अपनी वीडियो को मैनेज कर सकते हैं। ट्रेंडिंग टैग लगा के आप अपनी वीडियो को ग्रो करवा सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों, हमारे चैनल को अपनी वीडियो के नीचे दिए गए रेड बटन के ऊपर क्लिक करके जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी कीजिएगा दोस्तों। तो कमेंट लाजमी करना है आपको वीडियो कैसी लगी है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो नीचे कमेंट में लाजमी बताना है दोस्तों। अगर नहीं अच्छी लगी है, इस वीडियो के बारे में कोई और आपके जहन में कोई क्वेश्चन है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में दोस्तों लाजमी बताना है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करने का कोई चार्जेस नहीं लगता, ठीक है। तो दोस्तों चलें चलते हैं, फिर मिलेंगे किसी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।